कियांश स्कूल के लिए रेडी है। So, अभी सुबह के 7 बज गए हैं और कियांश तो चला गया स्कूल और दिव्यांश उठ गया। 15 नवंबर आज उसका फर्स्ट बर्थडे है दिव्यांश का। हे दिव्यांश, सुनो, गुड मॉर्निंग। नाश्ता रेडी है दिव्यांश का, तो यहाँ पे मैं बनाई हूँ दलिया उसके लिए, तो ये ग्राइंड करके मैं उसको खिलाऊंगी। तो कीप कंटिन्यू रहिए, आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना। सोनू के लिए जो मैंने नाश्ता प्रिपेयर किया था दलिया, उसे मैंने ग्राइंड करके खिला रही हूँ। सो ये से सुबह सुबह 9 बजे तक तो नाश्ता इसका रेडी होना ही चाहिए। सो इनके पापा शॉप जा रहे हैं और ये हमेशा बाय करता है और उनको देख के रोने लग जाता है। तो देखिए कैसे बाय कर रहा है ये। सो अभी मुझे घर का काम करने का टाइम हो गया, इसका नाश्ता हो गया, तो ये खेलने लगेगा। बट जब भी मैं पोछा या झाड़ू मारती हूँ तो ये तो मेरे पीछे ही पड़ जाता है, उसको ही चाहिए होता है। तो ये देखिए मोप्स के साथ खेलने लगा है। इसको मोप चाहिए न तो झाड़ू चाहिए कंपलसरी, मुझे वो काम करने ही नहीं देता है। देखिए कैसे कर रहा है। सो गाइज, ये तो मुझे पोछा मारने नहीं देगा, रूम क्लीन करने देगा। सो आप वेट करते रहिए, तब तक मैं फटाफट काम करके आ जाती हूँ। अभी घर का काम हो गया और दिव्यांश को नहलाना है, तो मैंने इसे जानबूझ के थोड़ा टाइम ज़्यादा ही मतलब वीडियो में डाल दिया है नहाने का, बिकॉज ये थोड़ा एक मेमोरी रहेगा दिव्यांश का और मतलब हमेशा वो देख सकेगा बचपन में वो क्या कर रहा था, कैसे मतलब मैं उसको हैंडल करती थी, इसलिए मैंने ये वाला क्लिप इसमें डाल दिया है। तो देखिए उसको नहाना बहुत ही अच्छा लगता है, पानी के साथ खेलना उसको बहुत ही मतलब बहुत एंजॉय करता है वो। सो गाइस, सोनू रेडी हो गया है, तैयार व्यार होके नहा लिया है। बाय। सो गाइस, सोनू रेडी हो गया है और अभी कियांश का आने का टाइम हो गया है, तो मैं जा रही हूँ उसको लेने के लिए। और रात को मतलब 8:30 को हम लोग सेलिब्रेशन के लिए सोचे थे, तो नाइट के लिए मुझे प्रिपरेशन भी करनी है। तो ज़्यादा बड़ा सेलिब्रेशन नहीं कर रहे, बस छोटा सा ही घर फैमिली तक। तो चलिए फिर, मैं घर को भी डेकोरेट करने वाली हूँ बर्थडे सेलिब्रेट के लिए। तो कंटिन्यू रहिएगा और मैं आज क्या क्या करने वाली हूँ, आप मेरे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए मेरे चैनल को किड दाउट व्लॉग्स। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना और बने रहिए एंड तक। सुनो, तो यहाँ पे सारे वेजेस मैं डाल रही हूँ, कैरेट और ये फूल गोभी, बटाटा, आलू और टमाटर। सॉस का लंच रेडी कर रही हूँ मैं, डाल के सॉफ्ट से एकदम खिचड़ी बनाया है, तो अभी इसको मैं ग्राइंड करके खिलाने वाली हूँ। मैंने जो खिचड़ी बनाया था दिव्यांश के लिए, वैसे वो कियांश भी खाता है, उसके लिए भी मैं सेम ही बनाती हूँ, तो वही मैं इसके लिए ग्राइंड करके खिला रही हूँ। सो अभी लंच का टाइम हो गया है और ये अपना लंच एंजॉय कर रहा है। बम बम बोले ताता, बम बम बोले, हट। सभी बज रहे 3 और मैंने सोचा कि चलो डेकोरेशन स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि अभी इसके बाद मुझे खाना का प्रिपरेशन, डिनर का प्रिपरेशन करना है, तो टाइम नहीं मिलेगा, तो मैंने स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे मैंने जैसे 2 बलून्स ले रही हूँ, घर पे आप डेकोरेशन कर सकते, कैसे कर सकते हो, तो ऐसे बलून्स लेना है, दोनों की यहाँ पे नॉट बंद लेनी है, इसी के साथ इजी ऐसे ऐसे नॉट बांध दिया दोनों को,
तो इसी तरह से हमें चार बलून्स रेडी करनी है, यानी कि एक जोड़ी का दो जोड़ी के बलून्स हमें रेडी करनी है। उसके इस तरह से बीच में ये देखिए, इस तरह से बीच में लगा के एक बलून को इस तरह से नीचे घुमा देनी है। हो गया, जस्ट फिनिश, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। तो देखिए रेडी हो गया। यहाँ पे जो बर्थडे का डेकोरेशन जो मैंने आपको ट्रिक बताई वो आप जरूर यूज़ करना, बहुत ही अच्छा ट्रिक है। और यहाँ पे मैं सिंपली डेकोरेशन कर रही हूँ और ये बहुत ही अच्छा लग रहा है, वाइट पे ब्लू कॉम्बिनेशन देखिए। सो अभी मुझे डिनर का प्रिपरेशन करना है और कियांश मेरी हेल्प कर रहा है, मटर छिलके दे रहा है। मैं आज बनाने वाली हूँ मटर पनीर। सो ये मेरे देवरानी का लड़का है विघ्नेश, और सभी जो मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं आ गए हैं और बर्थडे का टाइम हो रहा है। और ये मेरे ननंद का लड़का है। दोस्तों ये मेरा ननंद का लड़का है लक्ष, और बहुत ही अच्छा कुकिंग करता है। इनका भी यूट्यूब चैनल है, मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप उनको भी सपोर्ट जरूर कीजिएगा, बहुत ही क्यूट है। ये मेरे सास ससुर जी हैं, तो मैं हमेशा इनके साथ ही मेरे बच्चों का केक कटवाती हूँ, हमेशा बड़ों का आदर करना चाहिए। तो यहाँ पे दिव्यांश का केक रेडी हो गया है। एक्चुअली ये थोड़ा फ्रिज में रखते वक्त कियांश ने थोड़ा सा ख़राब कर दिया है, बट कोई नहीं। तो देखिए दिव्यांश को है ना केक खाने का बहुत मन कर रहा था, वो हमेशा केक के लिए रो रहा था, थोड़ा सा वो खा भी रहा था, बच्चे भी बहुत एंजॉय कर रहे थे। सो हम लोग ने सेलिब्रेशन ज़्यादा बड़ा नहीं किया है, और नेबर्स आए थे और हमारे फैमिली मेम्बर्स बस, ज़्यादा मतलब बड़ा फर्स्ट बर्थडे था, बट छोटा सा और अच्छा सा सेलिब्रेशन किए हम लोग ने। दिव्यांश को देखिए सब लोग क्लैप्स कर रहे थे, तो वो भी क्लैप्स करने लगा है, थोड़ा सा भी इरिटेट नहीं किया, बल्कि सबके साथ वो भी बहुत ही एंजॉय कर रहा था। सो गाइस केक कटिंग हो गया है और सभी ब्लेसिंग दे रहे हैं और केक खिला रहे हैं दिव्यांश को। सो आप भी अपना ब्लेसिंग बनाए रखिए हम पे और दिव्यांश पे, और सपोर्ट कीजिएगा। तो मैं ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो गया है, बिकॉज मैं कोई भी क्लिप कट नहीं करना चाहती थी, क्योंकि एक मेमोरेबल के लिए मैं ये वीडियो रखना चाहती थी और फ्यूचर के लिए मेरे बच्चे देखे, तो दैट्स वाई मुझे कोई भी क्लिप कट करने का मन नहीं किया, थोड़ा सा लॉन्ग हो गया, बट कोई नहीं। सो ये हमारी छोटी सी फैमिली। और सो गाइस डिनर रेडी है सबके लिए, मैंने बनाया है मटर पनीर, दाल चावल राइस, पालक की दाल मैंने आज बनाया था, और बट मैं आप लोगों को वो रेसिपीज शेयर नहीं कर पाई, आज मैं बहुत ही बिजी थी। सो कोई नहीं, अभी जस्ट फिनिश सेलिब्रेशन फिनिश करके हम लोग डिनर करने वाले हैं। तो अगर आज का व्लॉग आप लोगों को अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा, ताकि मेरे हर एक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन बाय।